that was the 30th anniversary of the individuals with disabilities education act, which also called idea, where president carol ford signed the law on december 2, 1975. what is idea? idea means individuals with disabilities education act, made education available to all the american children. Before IDEA individuals with disabilities have no education and schools and were no required to make accommodation for children with disabilities while some states offered special schools the education and resources were not necessarily equal for them additionally many parents couldn't afford to send their children away from their home to a special school आइडिया का मकसद माजूर अफराद जो कि किसी वजह से अदम तवज्जो और सहूलियात की ना होने की वजह से बोझ बनते थे उन्हें कारामत शहरी बनाना था ताकि वो माशरे में सही मकाम हासिल कर सकें और जो स्कूल्स वहाँ पर उन दिनों काम कर रहे थे वो इतने एक्सपेंसिव थे कि वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस एक्ट से क्या हुआ के बहुत से स्कूल स्पेशल बच्चों के लिए स्टेब्लिश हुए और वहां पर पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया और उनके लिए वो अफोर्डेबल भी थे नीड टू गिव स्पेशल एक्नोलेजमेंट द पर्पस ऑफ सेलिब्रेटिंग द स्पेशल एजुकेशन डे इज टू गिव स्पेशल स्पेशनोलजमेंट ऑफ दोज मैक्सिमम एफर्ट्स फॉर द स्पेशल स्पेशली टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सोशल रिफॉर्म जैसा कि आप जानते हैं हैंदार सेहत के मुताबिक दुनिया के एक अरब से जायद माज़ूरी की किसी न किसी शक्ल का सामना करते हैं अस्सी फीसद माज़ूर अफराद का ताल्लुक तरक्की पजीर ममालिक है ऐसी सूरत हाल में इस का रोल एडमिनिस्ट्रेटर्स का रोल स्टूडेंट्स का रोल पेरेंट्स का और स्पेशली सोशल रिफॉर्म्स का रोल बहुत अहम है इसके साथ साथ पाकिस्तान में कई सरकारी और गैर सरकारी रफाही इदारे जहनी और जिसमानी तौर पर माजूर बच्चों को तालीम और सेहत की सहूलियात फ़राम करने में अपना किरदार बखूबी तरीके से अदा कर रहे हैं इसलिए इस डे को मनाने का मकसद ये भी है कि हम ऐसे तमाम लोगों की ऐसे तमाम इदारों की एफर्ट्स को सराहें उनको अप्रीशियेट करें The second purpose of this day is to give awareness about the needs of special people. इस दिन को मनाने का दूसरा अहम मकसद ये भी है कि हम लोगों में आगाही दें about the needs of the special people. स्पेशली नीड टू इक्नॉलेज द स्पेशल पीपल इन एवरी फील्ड हमारे मुल्क में मज़ूर अफराद तकरीब हर शोबे से वाबस्त हैं और बिलखसूस खेल के मैदानों में और खेल के मुकाबलों में उन्होंने पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनकी इस, इन कामयाबियों को सराहें एज वेल एज नीड टू गिव दैम ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज हमारे यहाँ देखा गया है कि स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर उनको ज़्यादा सहूलियात फराहम नहीं की गई ज़रूरत ये है कि उनको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत से माजूर बच्चों की तादाद इस वजह से स्कूल नहीं जा सकती कि उनकी क्लासरूम पहली या दूसरी मंजिल पर होते हैं और इन्हें सीढ़ियां चढ़ने में भी समटाइम्स दुशारी का सामना करना पड़ता है इसके अलावा हम देखते हैं हस्पताों दफातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तफरी मकामा पर भी मज़ूर अफराद के लिए अलग से कोई सहूलियात फराम नहीं की गई हैं तो ज़रूरत है कि हमारे माशरे में तालीम या अवेयरनेस के तरीके से हम लोगों में आगाही दें ताकि माशरे में ऐसे अफराद के साथ अगर कहीं कोई ज्यादी होती है तो उसका अजाला हो सके और वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो और माषरे के मुफीद शहरी बन सकें आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक द वीडियो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल कैंडल लाइट For more informative and educational videos, stay happy and be blessed. Take care. Allah Hafiz.